बंगाल के गांव सैयद छपरा के सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ने जाते हैं या तालाब में तैरने? जी हाँ, देखिए यह खास रिपोर्ट इंद्री के गांव सैयद छपरा की, जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और प्रशासन की पोल खोल रहा है। आज युवा बोलेगा मंच इंद्री की टीम विधानसभा इंद्री के गांव सैयद छपरा में पहुंची और वहां के विद्यालय का हॉल देखा तो बहुत ही दुख हुआ। जहां एक तरफ सरकार पढ़ाई की ओर ध्यान दे रही है, बड़े बड़े कॉलेज एवं स्कूल खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब सैयद छपरा गाँव के स्कूल का हाल देख लो। पूरा स्कूल जलमग्न हुआ पड़ा है, चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है। आप बताए बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे? क्या ये विद्या का मंदिर है जहाँ पर कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, जहरीले सांप घूमते हो? इसी समस्या पर हमने गांव के लोगों से जानना चाहा कि आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से, तो सभी की एक ही आवाज आई कि स्कूल में मिट्टी का भराव होना चाहिए और इसकी चार दीवारी हो जानी चाहिए। इस विषय पर हमने गांव के सरपंच अली अब्बास से जब बात की तो उन्होंने 10 दिन का समय दिया कि 10 दिन के अंदर इस पर मिट्टी का भराव का काम शुरू हो जाएगा। अगर 10 दिन के बाद भी ग्राम प्रधान प्रशासन की ओर से शिक्षा विभाग का कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया गया तो ये काम जल्द ही पूरा नहीं होता, तो गाँव के लोग एवं युवा बोलेगी मंच की टीम इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेगी और शिक्षा विभाग, सरपंच एवं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेगी। इस समस्या पर गांव के स्कूली बच्चे एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे और इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करने को कहा। बेटा आपका नाम क्या है? फिरोज। हाँ जी, फिरोज। फिरोज, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? इसी स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, तो ये आपको परेशानी होती है यहाँ पर पढ़ाई करने में कुछ? जी। क्या परेशानी होती है आपको? इंग देखेंगे बच्चे, क्या आपको यहाँ पे पढ़ाई में कोई परेशानी होती है? हमारी बैठने की जगह नहीं है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करोगे? ग्राउंड का भराव किया जाए, मिट्टी भराव किया जाए। और इसके अलावा तो आप क्या मांग करोगे प्रशासन से? चार दीवारी करी जाए इस ग्राउंड की और भराव किया जाए, मिट्टी का भराव किया जाए। क्या नाम है आपका? फिरोज। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चिराग अली है जी। चिराग अली, यहीं से इसी गांव के रहने वाले हो? सर, इसी गांव से रहने वाले हैं। तो जैसे कि आज हम यहां पर आए थे तो कुछ ग्रामीणों की समस्या थी कि जो गांव का स्कूल है, इस स्कूल में जो पानी है बहुत ही ज़्यादा भरा हो जाता है, जिसके कारण मच्छर मक्खी पैदा होते हैं, लोग बीमार होते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा मछलियाँ तैर रही हैं, मेंढक तैर रहे हैं, सांप का भी डर होता है। और सामने ये जो स्कूल आप देख रहे हो, स्कूल में भी बच्चों की पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। तो आप क्या मांग करोगे प्रशासन से, किस प्रकार के आपको यहाँ पे कोई परेशानी? सही कह रहा है, यहाँ पर स्कूल में बच्चों के लिए बैठने के लिए कुछ मतलब कि प्रबंध नहीं किया गया है। और ग्राउंड में देखे पानी पानी भरा जाए, यहाँ पर मिट्टी का भराव होना चाहिए और चार दीवारी करनी चाहिए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और मच्छर मक्खी का ये मतलब ख़त्म होना चाहिए सिस्टम। और देखिए स्कूल, देखिए इसमें प्राइमरी स्कूल है, इसमें ना इतनी सुविधा है, यहाँ पर गंदगी गंदगी फैली होती है और पानी पानी भरा है, इससे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। हमें प्रशासन से यही मांग है कि इसका भराव किया जाए और इसकी चार दीवारी की जाए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जामिन। मोहम्मद जामिन, इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ जी। तो जैसा कि हम यहाँ पर आए थे कुछ दिन पहले भी, शायद इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई गई थी कि गांव में जो प्राइमरी स्कूल है इसमें पानी बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी पैदा होते हैं और बच्चों को स्कूल में पढ़ने में परेशानी होती है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है, आपको लगता है इसके बारे में क्या कहोगे आप? बीमारियाँ फैल रही काफ़ी और बच्चे परेशान हैं। प्राइमरी स्कूल में मिडिल की क्लास अलग रही, ना प्राइमरी वालों को पता ना मिडिल स्कूल के बच्चों को पता कौन से हैं कौन से नहीं। और मास्टर भी मान लो प्राइमरी वाले मिडिल में बैठे हैं, मिडिल वाले प्राइमरी में, उनको इस चीज़ का वो है नहीं। और इस स्कूल का भराव होना चाहिए, स्कूल में दो दो तीन तीन फुट पानी है, इस टाइम आपने देखा भी है जी। और इसके इस स्कूल का अगर भराव हो जाएगा, इसकी बाउंड्री हो जाएगी, इसमें क्लासें भी लगेंगी और स्टूडेंट जो हैं जो दूसरे गाँव में कोई कलसोरे पढ़ने जाते हैं, कुछ भी आना जाते हैं, वो अपने गाँव में ही पढ़ेंगे। तो प्रशासन से क्या मांग करोगे? प्रशासन तो कई बार गुहार लगा चुके हैं इसकी भराव की और बाउंड्री की, चार दीवारी की है तो बात। अच्छा, तो आप कहना क्या चाहते हो कि इसका भराव किया जाए और इसकी चार दीवारी की जाए? केस रिगार्डिंग आपकी सरपंच साहब से कोई बात हुई है इस बारे में? दो दो तीन बार युवा बोलेगा मंच की टीम को भी बुलाया था, पहले भी हमने 10 दिन का टाइम दिया था और आज फिर सरपंच साहब ने 10 दिन का टाइम मांगा इसके लिए। ठीक है जी, तो सरपंच साहब ने आपको 10 दिन का समय दिया। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।